जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए दो बाय कॉल लेके आया हूँ मंडे मंडे के लिए 13 जून 2022 के लिए। और जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप, नहायत मुनासिब फीस रखी गई है इसकी। ये लिंक है ग्रुप का, इसके बाद हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करेंगे। तो तमाम तफसील आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी और आप डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकते हैं, और इसका थंबनेल जो है वहाँ पे भी आपने इसको रीड किया होगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं आज के, पहले स्किप की इसकी मैं आपको कॉल दे रहा हूँ, वो है ट्रेड। ट्रेड पे इस वक्त 28.70 पे इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रहा है। 29,023 का इसने हाई लगाया था फ्राइडे वाले दिन, और जो है तकरीबन आखिरी टाइम में ये थोड़ा सा अच्छा मूव दिखाया इसने 3 बजे के बाद, और ये तकरीबन 29.23 रजिस्टर होकर वापस 28.70 पे आके क्लोज़ हुआ। इसका जो 52 का पीक का लो है वो 27.75 है, और इसके साथ जो अगर हम इसकी टेक्निकल की बात करें तो इसका जो RSI है वो इस वक्त 38.60 पे है, और रेड और ब्लू ये लाइंस हैं वो आपस में मिल चुके हैं इस वक्त जो सिरे इनके हैं। और इसका जो वॉल्यूम अभी तक इसमें जनरेट नहीं हो पा रहा, वॉल्यूम जो है वो इसमें आना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको जो है ना मूव करना है तो इसमें वॉल्यूम जो है वो लाजमी इस आना पड़ेगा। बाहर जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक इसके अंदर जो है वो इसका मूवमेंट थोड़ी सी जो है ना वो स्लो रहेगी। ये जो आपने थोड़ा सा इसको बायर आपने देखा ग्रीन कैंडल बनी है लास्ट टाइम 3 बजे के बाद जो थोड़ी बहुत बाइंग आई मार्केट में, थोड़ा सा जो है वो इन्वेस्टर इन हुआ या थोड़ा सा एतमाद बहाल हुआ, तो उस हवाले से थोड़ा सा आपको ये कैंडल नज़र आ रही है। इसकी अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग लेवल, तो 28 इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से वो रेजिस्ट हो रहा है बार बार, बड़ी सपोर्ट लेवल इसके साथ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 28 के आसपास। अगर हम इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो 27.80 इसका स्टॉप लॉस बनता है, इससे नीचे अगर गया तो फिर थोड़ा सा डेंजर यहाँ पे हो सकता है। इसका जो बाय लेवल की बात की जाए तो 28.30 से 28.50 के दरमियान अगर आपको मिल जाता है या 28 के आसपास भी मिल जाता है तो ये आपके लिए थोड़ा सेफेस्ट लेवल है, और यहाँ थोड़ा सा हम इसके अंदर रिस्क ले सकते हैं। सेल टारगेट जो है वो 30 तक भी जा सकता है इनिशियल, और उसके बाद 31.50 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ से मे बी ये रिवर्स हो जाए। तो ये दो लेवल आपने लाजमी याद रखने हैं। और इसके साथ ही अगर हम इसके थोड़ा सा कंपनी का ओवरव्यू की बात करें तो इस वक्त जो 28.70 भी ट्रेड कर रहा है, इसकी अगर बुक वैल्यू देखें तो बुक वैल्यू इसकी बनती है तकरीबन 56.81, तकरीबन हाफ जो है ना, हाफ से भी तकरीबन हाफ ही समझ लें, हाफ के करीब इस वक्त ये जो है ना ये इसका शेयर आया हुआ है। इसकी जो लेटेस्ट अर्निंग है वो 0.57 है, और लास्ट क्वार्टर इसकी नेगेटिव थी 1.34, लास्ट एनुअल APS जो है वो 3.20 था, जो अच्छा APS था। और ये इस वक्त जो कंडीशन है, कंपनी डिविडेंड वगैरह तो नहीं देती इस वक्त ट्रेडिंग के हवाले से, जो है ना ये अच्छा शेयर है, इसकी तकरीबन 1 रुपया 1.5 रुपये तक जो है ना ये डेली मार्केट अच्छा हो, मार्केट अच्छी हो तो ये जो है वो इतनी मूवमेंट दिखा जाता है, लोअर साइड से वो अप साइड पर एकदम मूव भी कर जाता है। जैसे हमने फ्राइडे में देखा, शुरू में डल परफॉर्म कर रहा था, साथ ही फिर 3 बजे के बाद इसने एकदम जो है 29.23 पे जाके ये रजिस्टर हो गया। तो इसके जो ना कंपनी जो कंडीशन है ना इतनी अच्छी है और ना इतनी बुरी है, मीडियम हम से कह सकते हैं। और तकरीबन जो है इसका जो शेयर वो है 28.70, तकरीबन 32-33 के आसपास ये रजिस्ट होता है नॉर्मली, और रैली में तो फिर ये ऊपर निकल जाता है 40 के आसपास जो है ना ये ट्रेड करता है। तो इस वजह से मार्केट डल रही है फ्राइडे वाले दिन, बल्कि लास्ट पूरा वीक ही डल रही है, उससे पहले बीच में एक आध दिन जो है मार्केट थोड़ी ऊपर आई है, उसके बाद उससे पहले भी मार्केट डल रही है, और काफ़ी शेयर डिस्काउंट लेवल पर इस वक्त आए हुए हैं। तो इसको भी यहाँ पे इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छा स्क्रिप्ट है, अच्छे शेयर है, ये लेवल पे भी इस वक्त ट्रेड कर रहा है कि यहाँ पे जो है ना इंशाल्लाह आपको ये प्रॉफिट भी देगा इंशाल्लाह, और लॉस के यहाँ पे काफ़ी कम रिस्क है। तो इस वजह से मैंने आपको ये स्क्रिप्ट शेयर किया ताकि आप इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं।
उसके बाद ये हमारे पास आता है एसगर नाइन लिमिटेड। और अगर एसगर नाइन की हम बात करें एएनएल की, एसगर नाइन जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है तकरीबन 10.77 के आसपास, और 10.70, और इसके जो इस वक्त 10.70 10.50 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है इस वक्त, और यहाँ से नीचे नहीं टूट रहा ये। तो इसके अंदर भी वही इशू है कि अभी तक इसके अंदर भी वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रहा, और जब तक वॉल्यूम नहीं आता इस वक्त तक इसके अंदर भी स्लो एक्टिविटी रह सकती है। और RSI 42 के आसपास है, और इस वक्त जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो गई है। RSI भी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू हो चुका है, तो इसका बाय लेवल मैं बता दिया 10.50 10.70 जो है ना ये सेफेस्ट लेवल है। टारगेट इसका हम रखेंगे इनिशियल 11.50 और 12.25 तक ये जा सकता है। सपोर्ट लेवल जो है वो इसके पास 10.50 है, और स्टॉप लॉस 10.30 से नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है। और इस वक्त जो इसके अगर हम थोड़ा कंपनी के ओवरव्यू पे जाएं, तो इस वक्त जो कंपनी जो है लेटेस्ट EPS है वो 1.36 जो है वो अर्निंग पर शेयर है, जो कि अच्छा अर्निंग है इस वक्त। और इसका जो बुक वैल्यू है वो 16.79 के करीब है, ठीक है। और इसको तकरीबन जो है ना 14 के आसपास तक ये जाता है, 13-14 के आसपास रजिस्ट होता है वहाँ से, और यहाँ 3-4 रुपये की रैली आपको यहाँ से ये दे सकता है। तो इसके साथ ही अगर आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं और इसको भी लाजमी ऐड करें, यहाँ से 10.50 14 मिलता है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। और इसको भी अपने जो है वो इस स्लिप को लाजमी शामिल करें। यहाँ भी जो है ना ये वो लेवल है कि इंशाल्लाह यहाँ से भी आपको ये लॉस के चांसेस कम हैं, और बल्कि यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके आपको प्रॉफिट भी ये देखे जाएगा। तो इस दो स्लिप भी आपके लिए मैं लेके आया हूँ, और इन दोनों को लाजमी जो है रीड कीजिएगा, और अपनी भी रिसर्च कीजिए इनके ऊपर। ये मेरी ज़ाती रिसर्च है, और बाकी जो है अपनी भी जो है इस हवाले से आप बाकी उसकी भी वीडियो देख कर और इसके ऊपर जो है ना अपनी रिसर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ ही अपना बहुत ख्याल रखिए, और जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप प्रीमियम सर्विस ज्वाइन करना चाहता है वो जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हम आपको जो है तमाम मार्केट के बाद जो भी न्यूज़ होंगी बाय सेल कॉल प्राइस रिबेट के साथ इंशाल्लाह आप गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह जो है ना आप हमारे साथ मुस्तकिल तौर पर रहेंगे। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।